बीती रात संत रविदास नगर कैंप 2 में दो गुटों के बीच हुई मारपीट के बाद जमकर बवाल हो गया। संत रविदास नगर कैंप 2 के मोहल्ले वासियों के द्वारा लगातार हो रही घटनाओं के कारण आक्रोशित होकर छावनी थाने का घेराव कर दिया और दूसरे पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की गई। संत रविदास नगर के थाना घेराव करने वाले लोगों ने कहा कि हर बार की तरह केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा, इस बार पुलिस को सख्त कार्यवाही करनी होगी। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने कुछ इस प्रकार से जानकारी दी। शारदा चौक में आज दो पक्षों में लड़ाई हो गई। लड़ाई बढ़ते बढ़ते दोनों के घरों में घुसने तक की बात आ गई, जिसके फलस्वरूप एक घर के पास जो स्थित छोटा हनुमान मंदिर है उसके बाहरी भाग में उनकी लड़ाई के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके फलस्वरूप हम आवश्यक वधानी कार्रवाई कर रहे हैं। एपीसी की धारा 295 के तहत संबंधित लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं, जिनके खिलाफ लोगों में आक्रोश था क्योंकि वो लड़के जो है उस लड़के के बदमाश होना थे। और अभी हमने जब यहाँ पर दुआई भी है उसको आश्वासन दिया कि हम गिरफ्तारी कर रहे हैं, अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं, उससे भीड़ छट गई है। वर्तमान स्थिति में दोनों वांछित अपराधी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।